एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फंक्शन की डोमेन, उसकी रेंज, को डोमेन, ये सब बताने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। आप एक सेट ले लो ए, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसके एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, और एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो बी, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये चार एलिमेंट बी में ले लिया मैंने और तीन एलिमेंट ए में ले लिया, दोनों भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर हो। ए ए की जो इमेज है वो 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 3 है। अब देखो ए सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, कोई भी छूटा नहीं खाली, और बी सेट के अंदर ए सेट के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, ए की एक ही इमेज है 1, बी की एक ही इमेज है 2 और सी की एक ही इमेज है 3। तो ये जो है एक फंक्शन है, तो ऐसा ज्वाइन कर दो, ये एक फंक्शन, फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट कंज्यूम हो गया और इन सारे एलिमेंट की बी सेट के अंदर सिंगल इमेज, ए सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, बी सेट में कोई एलिमेंट खाली छूट सकता है, जैसे कोई फादर ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं, जिनके कोई बच्चे नहीं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसके कोई फादर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, इधर कोई बच्चा ऐसा आ गया जिसके कोई फादर नहीं है तो फिर वो फंक्शन नहीं हो, फंक्शन होने के लिए इधर का हर एक एलिमेंट कंज्यूम होना चाहिए और इधर का एलिमेंट कोई बच भी सकता है, पूरे कंज्यूम हो भी सकते हैं, कोई बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर के एलिमेंट की इधर सिंगल इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, इधर के बच्चों का एक ही फादर होना चाहिए, एक से ज्यादा फादर ना हो किसी बच्चे के, एक फादर ये भी हो गए, एक फादर ये भी हो गए, तो भी वो फिर रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कराते हुए मैंने ये एग्जांपल ले दिया, आप डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है, पॉइंट है अपना डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ ए, नाम से डेफिनेशन लिखो, देखें देखियो, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू, इसको पढ़ते हैं, बताया मैंने एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू, देन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर ऐसा फंक्शन है एफ ए टू बी, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ, ये जो ए सेट आपको दिख रहा है पहला वाला सेट, इसके जो भी एलिमेंट है ए बी सी, ये आपकी डोमेन है, इसको डोमेन कहो, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, दैट इज डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ को ऐसा लिख दो, डोमेन लिख दो ब्रैकेट में एफ को, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ए सेट के कितने एलिमेंट है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपका डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यूबल, ठीक है, डोमेन निकाल सकते हैं आप, ऐसा फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया ए और बी सेट के ऊपर, तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट है ये डोमेन का सेट, ये डोमेन का सेट, इसको डोमेन ऑफ एफ लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं डी एफ, डोमेन ऑफ एफ ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन ऑफ एफ डी एफ ऐसा भी लिख सकते, डी बड़ा लिखो और उसके नीचे छोटा आपको, या फिर ऐसा लिखो, या फिर कोई ऐसा भी लिख देते, डोम लिख दिया किसी ने और ब्रैकेट में ऐड करते, शॉर्ट में डोम ऑफ है, डोमेन ऑफ है, कुछ भी लिखो, कोई सिंबल है वो, और ये सेट किसके इक्वल लिख रहा है, ये पूरा का पूरा सेट ए, इसको ए भी बोल सकते, मतलब डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए सेट को बोल रहा है, मतलब ये जो अगर ऐसा लिखा रहता है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो ए सेट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ए सेट जो है ये डोमेन का सेट है, याद रखना आप फर्स्ट सेट को डोमेन कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट है अपना कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन
टॉप फंक्शन, को डोमेन ऑफ फंक्शन, पहले इसकी भी डेफिनेशन लिखें। एफ एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी, देन द सेट पी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ ए, को डोमेन ऑफ एफ, दैट इज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा डोमेन ऑफ फंक्शन। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर ऐसा फंक्शन है देन द सेट बी, तो ये जो बी सेट दिख रहा है इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ, इसको को डोमेन कहते हैं बी सेट। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है आपका बी, ये को डोमेन का सेट, आप इसको बी बोल दो या फिर इसके एलिमेंट लिख दो वन टू थ्री फोर, दैट इज को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी या बी सेट के एलिमेंट सेट वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर। डोमेन क्लियर हो गया आपको, जो ए सेट रहेगा वो डोमेन का सेट, जो बी सेट रहेगा वो को डोमेन का सेट, दोनों चीज क्लियर हो गई, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने पास। नेक्स्ट है इमेज ऑफ फंक्शन, इमेज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की इमेज क्या हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ, then y is called image of, ध्यान से लिखना। देखिए इमेज ऑफ फंक्शन क्या होता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ, तो देन y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x, ये जो y दिख रहा मतलब जो फंक्शन रहेगा उसमें यहाँ पे आपने x रखे हुए, जो इनपुट वाली वैल्यू है जो डोमेन वाली वैल्यू वो रखे आपने, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी तो वो उसकी इमेज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है, आप x इक्वल टू y होता है, अगर आप x के प्लेस पे 1 रखते होते इधर भी 1 प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो ये जो 2 है वो इस 1 की इमेज, तो ये f ऑफ x इक्वल टू जो y है, तो ये जो y आपको दिख रहा है ये y इस x की इमेज है, जैसे ये a, तो a की इमेज ये 1 हो गई, b की इमेज 2 हो गई, c की इमेज 3 हो गई, और ये और किसी की इमेज, इमेज समझ में आया आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, तो ये जो वाई है वो एक्स की इमेज, एक्स पॉइंट ऑफ प्री इमेज, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। देखो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई, तो ये जो एक्स दिख रहा आपको, ये वाला जो एक्स दिख रहा वो इस वाई की प्री इमेज है, ये एक्स अंदर जो एक्स दिख रहा है यहाँ पे ये वाई की प्री इमेज है, जैसे ये वन, ये ए की इमेज वन थी, तो इस वन की प्री इमेज क्या होगी, ए होगी, बी की इमेज टू थी तो टू की प्री इमेज बी हो जाएगी, सी की इमेज थ्री थी तो थ्री की प्री इमेज सी हो गई। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो ये जो एक्स दिख रहा है आपको ये एक्स वाई की प्री इमेज है, और इमेज क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई था तो ये जो वाई था वो एक्स की इमेज थी, और एक्स क्या है वाई की प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज क्लियर हो रही दोनों चीजें। यहाँ देखिए आप ए की इमेज वन, वन की प्री इमेज ए, बी की इमेज टू, टू की प्री इमेज बी, सी की इमेज थ्री, थ्री की प्री इमेज सी, और ये फोर की कोई प्री इमेज नहीं,
उसके बाद एक आखिरी पॉइंट, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन देखिए, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ रेंज द सेट ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ। जितनी भी इमेजेस है डोमेन वाले सेट की, जितनी भी इमेजेस है उन इमेजेस को अगर एक सेट में रख दिया जाए तो उसको रेंज कहते हैं। दैट इज रेंज ऑफ इज इक्वल टू वन इमेज है, टू इमेज है, थ्री इमेज है, फोर किसी की इमेज नहीं थी, ये वन टू थ्री जो दिख रहा है आपको ये इमेज है ए की, बी की और सी की। तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये हो गया आपका इमेजेस का सेट। इस इमेजेस के सेट को फंक्शन की रेंज बोलते हैं। ठीक है भाई, ये तीन इमेजेस थी, वन तो वन ए की इमेज थी, टू बी की इमेज थी और थ्री जो है वो सी की इमेज। तो इमेजेस के सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज समझ में आ गया? अब मैंने जितने पॉइंट बताया वो समझ में आए। डोमेन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो ए वाला सेट है उसको डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे। को डोमेन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो जो बी वाला सेट है वो आपका को डोमेन है। उसके बाद इमेज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये जो वाई की वैल्यूज है वो एक्स की इमेजेस है। फिर प्री इमेज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो जो एफ ऑफ के साथ में जो एक्स लिखा हुआ, एक्स जो है वो वाई की प्री इमेज है। उसके बाद रेंज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, जितनी भी इमेजेस है उसको एक सेट के अंदर रख दो आप तो वो रेंज होती है। ये चार पांच पॉइंट मैंने आपको बताया, कहीं पे आपको निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इलेवन क्लास में आपने ये सब चीज निकालो, निकाले ना, इलेवन क्लास में भी था रिलेशन एंड फंक्शन नाम का चैप्टर, वहां से आपने इसको सीखे, मैंने खाली इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बताया। अब ये जो रेंज है ये कभी को डोमेन के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रेंज जो रहती है वो को डोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। सबसेट का मतलब रेंज के अंदर जो एलिमेंट है वो को डोमेन में के ही एलिमेंट रहेंगे, कुछ एलिमेंट ले सकते हैं या पूरे के पूरे भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है। को डोमेन के बाहर से कोई भी एलिमेंट रेंज के अंदर नहीं आएगा। रेंज के अंदर को डोमेन में के आप कुछ एलिमेंट ले सकते हैं या आप रेंज के अंदर को डोमेन में के पूरे एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन रेंज के अंदर को डोमेन के बाहर से कोई भी एलिमेंट आपको नहीं लेना। रेंज कभी कभी कई बार को डोमेन के इक्वल भी हो जाती है, और रेंज जब को डोमेन के इक्वल हो जाती है तो वो जो फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ये होगा भैया आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, ओके।